अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली जो टर्बाइन है, गैस टर्बाइन से कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करने हैं, तो उसके लिए कुछ पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं कि बेसिकली बैक एंड पे होता क्या है। सबसे पहले हम जो जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो आइडियल केस पे करेंगे, और उस आइडियल केस के लिए हमारे कुछ अजम्पशन होंगे। पहली अजम्पशन क्या है कि चाहे आपके कंप्रेसर की बात करो या चाहे आप अपने टर्बाइन की बात करो, दोनों सूरत में आपके जो जो भी प्रोसेस हो रहा होगा ना, भरे कंप्रेसर के अंदर भरे टर्बाइन के अंदर, वो एडियाबैटिक हो गया। एडियाबैटिक से मुराद क्या है कि उसके अंदर ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आएगी ना अंदर से कोई एनर्जी बाहर जाएगी, तो ये उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। तो मतलब इसका मतलब ये कि आपके पास आइवेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, वो कंप्रेशन भी और आपके पास दूसरा जो है वो एक्सपेंशन भी जो टर्बाइन के अंदर होगा। दूसरा आपका जो अजम्पशन है इसके अंदर, जो क्योंकि आपको जो फ्लूड होता है वो फ्लो कर रहा होता है कंप्रेसर के बाद फिर कंबशन चैम्बर, और कंबशन चैम्बर फिर टर्बाइन पे जाता है। ड्यूरिंग द फ्लो उसमें कोई हीट लॉस नहीं हो रहा होगा, या तो जो दूसरा जो डक्ट से कोई गुजर होगा हमारा फ्लो, उसके अंदर कुछ हमारे पास प्रेशर लॉसेस वगैरह हमने बोला वो बिल्कुल इग्नोर कर दो, ये नहीं होंगे उसके अंदर। तीसरी हमारी अजम्पशन है जो वर्किंग फ्लूड होगा ना उसकी कंपोजिशन हमारी सेम रहेगी थ्रू आउट। उमन होता क्या है कि हमारी एयर एयर इनटेक होती है और कंबशन चैम्बर में ना उसके अंदर फ्यूल की मिक्सिंग होती है। फ्यूल की मिक्सिंग के बाद क्या होता है, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ एयर की चेंज हो जाती हैं। अब जो एयर की जो प्रॉपर्टी थी पहले वो नहीं रही, जैसे ही फ्यूल को हम इग्नाइट करते हैं तो एयर की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो हमने सपोज़ किया था कि अभी जो हमारे पास जो वर्किंग फ्लूड है ना उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहती है। चौथा है हमारे कैनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूड है, इनलेट की बात करें आउटलेट की बात करें वो नेग्लिजिबल है जिसके अंदर चेंज हो रहा होगा, और स्टडी फ्लो रेट हमारा मास फ्लो रेट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा, जो एग्जाम्पल नंबर जो पॉइंट नंबर 3 और जो पॉइंट नंबर 4 है ना, इससे इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्लोज साइकिल हम जो स्टडी करेंगे ना वो क्लोज गैस टर्बाइन स्टडी करेंगे, क्योंकि ओपन टैप गैस टर्बाइन में लाजमी हमारा फ्लूड जो होता है वो मिक्स मिक्स हो रहा होता है फ्यूल के साथ। जो क्लोज टैप गैस टर्बाइन होती है उसमें हमारा जो फ्लूड होता है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट नहीं होता हमारे गैस से, सिर्फ वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू उससे हम हीट एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये लिखा हुआ जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फ्यूल है वो बाहर बर्न हो रहा है और हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम उससे हीट एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो ये पूरा इसका थोड़ा मैकेनिक है। अच्छा, देखते हैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। बेसिकली आपका जो प्रोसेस है इसको प्रोसेस नंबर 1 बोला हुआ है इनटेक को, कंप्रेशन के बाद प्रोसेस नंबर 2 है, कंबशन के बाद या हीट एक्सचेंज के बाद प्रोसेस नंबर 3 है, और टर्बाइन के बाद प्रोसेस नंबर 4 है। अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है कंप्रेसर का, कंप्रेसर ने कितना वर्क डन किया है, तो H2 - H1 हो जाएगा, ये रहा। इसको नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमारा ये वर्क हम अपने जेब से दे रहे हैं, इसे नेगेटिव लिया। फिर आप जो 2 से 3 है इसमें वर्क डन क्या होगा, 3 - 2 हो जाएगा जो हम इसके अंदर हीट इंटेक कर रहे हैं। इस तरह 3 से 4 हमारे पास टर्बाइन वर्क है, H3 - H4 हो जाएगा, तो तीनों कर दिया। हाँ, नेट नेट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जितना हमने आउटपुट कितना मिल रहा है और हम इनपुट कितना दे रहे हैं, हमारा जो आउटपुट होगा ना टर्बाइन वर्क माइनस ये वाला कंप्रेशन वर्क, ये हमारा आउटपुट है, और इनपुट क्या है हमारे पास, ये हम अगर इनपुट दे रहे हैं। तो देखो हमारे पास ये कंप्रेशन वर्क माइनस टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क डिवाइड बाई हमारा जो इसके अंदर जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो, तो इसकी एफिशिएंसी ऐसे निकल आती है। फर्दर हम इसके अंदर एक आइसेंट्रोपिक रिलेशन यूज़ किया हुआ है, T2 / T1 बेसिकली आपके पास बराबर होता है P2 / P1 और γ - 1 / γ। कंप्रेशन रेशियो अच्छे, मुझे लग रहा है यहाँ पे गामा नहीं, यहाँ पे आर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आर है ना ये P2 / P1 है और ये प्रेशर रेशियो है। जो ये गामा होता है ना इसे इसे एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं। गलती लग रही है लेकिन छोड़ो, सिर्फ इसी आपकी रिलेशन है ये T2 / T1, ये आर की पावर γ - 1 / γ है। जहाँ तक मुझे पता है गामा जो होता है वो फिक्स होता है 1.44 एयर होता है, और इसको एडियाबेटिक इंडेक्स भी बोलते हैं, CP / CV होता है, ये जो चीज़ होती है। और ये जो आर होता है ना, ये आर हमारे पास प्रेशर रेशियो होता है P2 / P1।
साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है, ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है आपका जो वो होता है ना ऑटो साइकिल, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी सारे मिलता है। ऑटो साइकिल का फार्मूला क्या होता है, 1 - 1/r^2 होता है उसका फार्मूला उसकी एफिशिएंसी का। इसमें सिर्फ क्या है, γ - 1/γ भी है, सही होता है। यहाँ हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला होता है साइकिल की। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ फार्मूले ये भी हैं, ये वही चीज़ है, ये वर्डन हमारे पास है। वर्डन क्या होता है, हमारे पास जो टर्बाइन का वर्क है उसमें से माइनस कर दो तो उसके वर्क को, कंप्रेसर के वर्क को। अभी हमने ऊपर एक रिलेशन ड्राइव किया है कि T2/T1 ये बराबर होता है T3/T4 के। बेसिकली जो ये टेम्परेचर रेशियो ना डिफरेंस जो है, इनका टेम्परेचर डिफरेंस या रेशियो बराबर होता है इसका टेम्परेचर रेशियो के। आइडियल केस की बात हो रही है बिल्कुल। तो हमने अभी किया कि यहाँ से हमने T3 कॉमन लिया या फिर T1 कॉमन लिया, और T1 जब कॉमन लिया पूरी क्वेश्चन को हमने T1 पर डिवाइड भी कर दिया, तो T3/T1 यहाँ पे बचा होगा उसको हमने स्मॉल t बोल दिया, सही है। और यहाँ पे T4/T3 बचा होगा, यहाँ पे T2/T1 बचा होगा, दोनों को हमने इस वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये इससे हम टर्बाइन का वर्क आउटपुट निकालते हैं इस वाले रिलेशन से, और इस वाले रिलेशन से हम लोग कंप्रेसर का वर्क आउटपुट निकाल रहे होते हैं। वो चीज़ लिखी हुई ना, ये वो चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़। इससे हम लोग कंप्रेसर का आउटपुट निकालते हैं या वर्क आउटपुट निकालते हैं, और इससे हम लोग जो होते हैं टर्बाइन का वर्क आउटपुट या प्रेशर आउटपुट निकाल रहे होते हैं। इवन अमेरिका में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इसको। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के हिसाब से तो ऊपर दिखा रहा हूँ। अच्छा दूसरी चीज़, वहाँ पर जो वर्क आउटपुट होता है ना, किस किस केस में ज़ीरो होता है। अगर हमारे पास जो गामा की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है, अगर हमारे पास जो आर की वैल्यू 1 हो जाए, मेन प्रेशर राइज हो ही ना। अच्छा प्रेशर रेशियो ये है क्या, जैसे अगर मैं बात करूँ, चला गया इसे, ये है, ये T2/T1 है, यहाँ पे P2/P1 होगा ना। अगर P2/P1 जो कि R की वैल्यू है, अगर वो 1 हो जाए, मतलब जो प्रेशर आपका यहाँ पर वही प्रेशर आपका यहाँ पर होगा, बेसिकली आपके कंप्रेशन ने वर्क ही नहीं किया। अगर कंप्रेसर ही वर्क ना करे, इफ़ इधर यहाँ पे इन दोनों के प्रेशर का रेशियो आपके 1 हो जाए, ये दोनों काम ही लगा रहे, आपका वर्क आउटपुट 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है, R की वैल्यू 1 से मिला क्या है कि आपका जो प्रेशर आउटपुट है ना, आपका प्रेशर जो इनपुट है, प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा, आपके दोनों सूरतें प्रेशर सेम है। एक तो ये केस होता है जिसका आपके वर्क डन 0 मिल रहा होता है, और दूसरा केस होता है आपका, ये वो चीज़ बता रहे हैं आपने देखो, तो यहाँ पे आपके पहले यहाँ पे खड़े थे, आपने इसके अंदर ये वो किया है, प्रेशर इनपुट किया, अब यहाँ पे कंप्रेसर ने वर्क डन किया, फिर आपने इसके अंदर हीट दी है, ये हीट दे के अब यहाँ तक पहुँचे, फिर आपके टर्बाइन ने ये काम किया है। इसमें जो आर की वैल्यू है लगभग प्रेशर चेंज आ ही नहीं रहा, दोनों लाइनें तकरीबन सेम प्रेशर पे लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको जो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यही वो केफ होता है जिसमें आपके पास वर्डन 0 मिल रहा होता है। ये चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और क्राइटेरिया में एक और चीज़ होती है जिसमें हमें वर्डन 0 मिल रहा होता है, जैसे ये 1 से लेकर 2 तक हमने सारा कंप्रेशन वर्क किया, हमारा सारा कंप्रेशन वर्क है, या तो कंप्रेशन किया हमने,
फिर अगर इसके अंदर हम हीट एडिशन बहुत कम करें, ये हमने बहुत कम हीट एडिशन की है, इस सूरत में भी वर्डन हमारा ज़ीरो होता है। अगर हम हीट एडिशन कम करें तब भी वर्डन ज़ीरो, और अगर हम इसकी एक्सपेंशन कम करें तब भी वर्डन ज़ीरो मिल रहा होगा। तो फिर आइडल केस क्या होता है, आइडल केस होता है कि हम कंप्रेशन, ये कंप्रेशन करें, ये इसके अंदर हीट एडिशन हो, ये फिर इसके अंदर एक्सपेंशन हो, और ये फिर हीट रिजेक्शन हो। ये प्रॉपर वापस ये साइकिल है जिसको हम ब्रेटन साइकिल ही बोलते हैं। ये आइडियल है जो बताई हुई, और ये एक्सट्रीम केस है जिसमें हमें वर्डन में ज़ीरो मिल रहा होता है। पहले ये कि हम हीट ही नहीं बहुत कम करें या क्यू की वैल्यू ज़ीरो कर दें। दूसरा जिसमें तो प्रेशर बहुत, जिसमें दोनों प्रेशर आपका इनटेक और आउटटेक दोनों आपको प्रेशर सेम मिल रहा हो, ये दूसरा केस है। तो ये भी हो गया कि वो चीज़ सारी इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, इसमें और चीज़ है। अच्छा, आमतौर पर हम जो एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं ना, एक और बात बता रहा हूँ, अमूमन होता है क्या कि हमने कंप्रेशन की है टू तक, फिर इसके अंदर हीट एडिशन होती है, टू से थ्री तक इसके अंदर हीट एडिशन हो रही है, फिर थ्री से फोर हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन होती है, दोबारा फिर हम इसको हीट रिजेक्शन करते हैं। आइडियल सिनेरियो के लिए अगर हमें ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारे पास जो कंप्रेसर का जो आउटपुट है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए हमारे टर्बाइन के आउटपुट के टेम्परेचर के। ये बात लिखी हुई यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो ना, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही होती है, आपका मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा होता है। वो कब मिलता है कि अगर आपका जो कंप्रेसर से जो आपका आउटपुट हो रहा है ना, जो ये आउटपुट टेम्परेचर है, ये इसको आप बराबर कर दो टर्बाइन के एग्जॉस्ट के टेम्परेचर के। इसके लिए हम करते क्या है, कंप्रेसर से फ़ौरन बाद में ना हमें लगाते हैं हीट एक्सचेंजर। उसका काम क्या होता है कि जहाँ तक हमारे कंप्रेसर ने काम किया, ये हीट एक्सचेंजर बर्निंग से पहले ही हमारे जो फ्यूल होता है ना, जो हमारा जो इंटेक एयर होती है, उसको कुछ हद तक हीट कर देती है, और उसका टेम्परेचर हमारे टर्बाइन के एग्जॉस्ट तक ले आती है। सही है। और साथ ही साथ हमारा जो टर्बाइन से एग्जॉस्ट निकल रहा होता है उसकी कूलिंग भी हो रही होती है, सेम फ्लूड आ रहा होता है उसकी कूलिंग भी हो रही होती है, वो कूलिंग करके उसको नीचे ले जाता है यहाँ पे, उसको टू तक ले जाता है। तो ये सारा काम हमारे पास हीट एक्सचेंजर जो कि हमारे इसके अंदर वर्क इनपुट हमारा कर रहा होता है, इससे हमारी एफिशिएंसी भी इन्हांस हो जाती है। वो लिखा है फॉर आइडियल हीट एक्सचेंजर टी फोर अमूमन बराबर होना चाहिए टी फाइव के। अगर ये बराबर हो तो हमारा जो आइडियल केस है, लेकिन अमूमन ये कुछ कुछ हीट लॉसेस होती है, सीधे काम नहीं कर रहा होता। एक चीज़ ये थी इसके अंदर। दूसरी चीज़, हमारे पास जो टी होता है ना, बेसिकली टी रेशियो होता है हमारे पास। अगर मैं दोबारा ऊपर आऊँ, टी थ्री अपॉन टी वन जो होता है ना, अब टी थ्री क्या है, टी थ्री वो टेम्परेचर है जो कि हमारे पास टर्बाइन के अंदर जा रहा है, और टी वन वो टेम्परेचर जो कि हमारे कंप्रेसर के अंदर आ रहा है। इन दोनों के रेशियो को हम लोग स्मॉल टी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी ना, उतनी एफिशिएंसी हमारे दारे में, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश होती है कि टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो। सही है। टर्बाइन के इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना बड़ा टेम्परेचर को उतना ज़्यादा हमारी स्मॉल टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन ये है, जितने ज़्यादा हमारे टी की वैल्यू होगी ना, हम उतना हाई प्रेशर रेशियो अटेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टी की वैल्यू 5 है, इससे मुराद ये है कि जो टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वो मेरे पास 1500 कुछ है। सही है। और जो टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर है, और कंप्रेसर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। सही है। तो मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। अब इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे आप, अगर आपकी टी की वैल्यू 5 है, उसमें अगर आप कंप्रेशर प्रेशर रेशियो बढ़ाते रहते हो, प्रेशर रेशियो क्या, आप टर्बाइन से ज़्यादा काम करवा रहे हो या कंप्रेसर से ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो जैसे ज़्यादा प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती रहती है। लेकिन एफिशिएंसी एक वक्त तक आपकी डिक्रीज होती है, फिर आपकी एफिशिएंसी उसके बाद फर्दर डिक्रीज होती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर जो टेम्परेचर रेशियो का मेरे पास 2 है, और उसमें अगर मैं प्रेशर रेशियो सिर्फ मेरे पास एक लिमिटेशन है, अगर 2.5 तक इसका या 3 तक इसका कंप्रेशर रेशियो मैं बढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मैं प्रेशर रेशियो नहीं बढ़ा सकता। अगर मुझे प्रेशर रेशियो इंक्रीज़ करना है तो मुझे इसका जो वो होगा स्मॉल टी, टी थ्री अपॉन टी वन का रेशियो, मुझे इन्हांस करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है।
अगली चीज़ है ये अगला रीहीट बताया। रीहीट्स होता क्या है कि रीहीट से हमारे पास ओवरऑल जो वर्क आउटपुट होता है ना, या स्पेसिफिक वर्क आउटपुट होता है हमारे पास, वो रीहीट से हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली मैंने किया क्या, मैंने थ्री से मैंने अपने टर्बाइन से वर्क आउटपुट लिया, ये दोबारा मैंने रीहीट किया, और फाइव से दोबारा मैंने टर्बाइन से वर्क आउटपुट लिया। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन में जो वर्क आउटपुट होगा ना, वो ज़्यादा होगा अगर मैं इसको एक ही बारी में इतना एक्सपेंड करा दूँ। तो ये रीहीट का फ़ायदा होता है। ये क्वेश्चन है सारे गिवन होंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर रीहीट कर रहे हैं, अब इसके अंदर दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। इसके अंदर हमने हीट एक्सचेंजर भी लगाया होगा। इसका काम क्या होता है हीट एक्सचेंजर में, कि हमारे पास जो कंप्रेसर का जो आउटपुट एग्जॉस्ट होता है उसको बराबर कर दे टर्बाइन के आउटपुट एग्जॉस्ट के। और रीहीट का काम क्या होता है कि हम दोबारा उसको जो हमारी एनर्जी है उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दोनों ही कंबाइंड साइकिल बताई हुई है यहाँ पे। ये कंप्यूटर लॉस है, ये पढ़ लेना, ये खास नहीं है। अच्छा एक और चीज़ जिसमें अक्सर गलती करते हैं, देखो एफिशिएंसी एक होती है टर्बाइन की एफिशिएंसी, एक होती है कंप्रेसर की एफिशिएंसी। जो कंप्रेसर की एफिशिएंसी होती है ना, उसमें जो हमारे पास जो आइडियल वर्क होता है वो ऊपर आ रहा होता है, और जो टर्बाइन की एफिशिएंसी होती है उसमें हमारा जो आइडियल वर्क नीचे आ रहा होता है। मतलब आइसेंट्रोपिक वाला जो चीज होता है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऊपर आता है कंप्रेसर के अंदर, क्योंकि वो कम होता है। देखो एफिशिएंसी होता है क्या, एफिशिएंसी बेसिकली ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर आती है और छोटी वाली सॉरी एफिशिएंसी में छोटी वाली वैल्यू ऊपर आती है और बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है। अमूमन कंप्रेसर में ना जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है, जो हमें एक्चुअल आउटपुट है वो कम करना पड़ता है, लेकिन आइडियल आउटपुट कम करना पड़ता है और हमें एक्चुअल आउटपुट फिर ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये कंप्रेसर की एफिशिएंसी का फार्मूला, इसलिए उसके अंदर आइसेंट्रोपिक वाली जो एंथैल्पी होती है ऊपर आ रही होती है और एक्चुअल एंथैल्पी उसकी नीचे आती है। लेकिन टर्बाइन में इसका उल्टा है, टर्बाइन में जो हमारे पास जो एक्चुअल वाला वर्क होता है ऊपर आता है, और आइडियल वाला वर्क जो कि वापस जो वो होता है एफेंट्रोपिक वो नीचे आ रहा होता है। इवन वर्क में देख लेंगे, इतना खास नहीं है। ये वही चीज़ है, ये टर्बाइन का आपके पास वर्क आउटपुट का फार्मूला है, आपके पास ये कंप्रेसर का आउटपुट का फार्मूला है, ये गिवन होगा। ये एफिशिएंसी है टर्बाइन की, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी है, छोड़ दो उसको भी। सब छोड़ दो, मसला नहीं इसका। सही है, अभी यहीं तक करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल रहता है इसका। अच्छा ये मैंने जानबूझ के भगाया, इसमें कोई खास इसमें चीज़ है नहीं। वैसे न्यूमेरिकल में सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा ओवर भी था कि होता क्या क्या है, कौन से फार्मूलेज होते हैं, और कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है, बातें बस यही है जो मैं बता रहा हूँ कि पहले से आपको बताना चाहिए कि हमारे पास जो ये आर क्या होता है, आर बेसिकली प्रेशर रेशियो होता है, P2/P1 या P3/P4 ये होता है। और दूसरा आपके पास जो होता है, यहाँ पे बताना चाहिए आपको, ये आपके पास कंप्रेसर के लिए होता है, टर्बाइन के लिए होता है, ये कंप्रेसर के लिए होता है। दूसरी चीज़ आपको ये डायग्राम समझानी चाहिए कि अगर हम ज़्यादा कंप्रेशन करें कम हीट करें तब भी वर्क डन ज़ीरो, या हम इसके अंदर ज़्यादा हीट जनरेट करें कम इसको एक्सपेंड करें तब भी वर्क डन ज़ीरो। तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए टी क्या, ये पता होना चाहिए। और अगला आपके पास ये हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, आइडल केस में अगर हमारे पास T4 T5 के बराबर हो तो इसमें हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही होती है। और आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा प्रेशर रेशियो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी कम हो रही होती है सेम टी पे, और एक फिक्स पॉइंट पे आके फर्दर एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं होती, कॉन्स्टेंट हो जाती है। अगला आपको पता होना चाहिए हम रीहीट क्यों करते हैं, रीहीट जो करते हैं बेसिकली स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम रीहीट करके जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ज़्यादा होती है हमेशा जो हम एक ही बारे में एक्सट्रैक्ट कर लें। इसी तरह और पता होना चाहिए ये कंबाइंड साइकिल, इसका ये डायग्राम पता होना चाहिए। कंप्यूटर लॉस है, फ्रिक्शन लॉस है आपके पास, जो हमने शुरू में अजम्पशन की है ना, जो शुरू में सारी अजम्पशन की है, जो लॉसेज में सब इसका उल्टा हो जाएगा, जो लॉसेज लिखे हुए ना यहाँ पे सब उनका उल्टा है, वही चीज़ है। तीसरा पता होना चाहिए आपके पास जो, हाँ ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी में जो आइसेंट्रोपिक वर्क आता है वो ऊपर आ रहा होता है, और टर्बाइन में आइसेंट्रोपिक वाला वर्क जो होता है नीचे आ रहा होता है, ये बताना चाहिए। और बस और कुछ भी ना पता हो चल जाएगा।